अगर आप अपने बालों को कलर करने के बारे में सोच रहे हैं और अपने बालों को हार्मफुल केमिकल से बचाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि बालों को सिर्फ 10 रुपये में केमिकल फ्री कैसे कलर करें। मार्केट में अवेलेबल हेयर कलर जैसे कि गार्नियर का ये कलर नेचर्स, ये आपको 150 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपके बालों की लेंथ ठीक ठाक है तो ये आपके बालों के लिए कम पड़ जाएगा। इसके लिए आपको कम से कम 2 पैकेट लगेंगे, तब आपके बाल कलर होंगे। इस तरह से आपको लगभग 300 रुपये पे करने पड़ेंगे अपने बालों को कलर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लोरियल का कास्टिंग क्रीम ग्लॉस हेयर कलर, इसकी कॉस्ट है 550, जो कि गार्नियर के हेयर कलर से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको काफ़ी रुपये पे करने पड़ेंगे अपने बालों को कलर करने के लिए। लेकिन हम जिससे अपने बालों को कलर करने वाले वो है हिना वेस्ट हेयर कलर। तो मेरे पास है ये निशा की ब्राउन मेहंदी, इसमें आपको हिबिस्कस एलोवेरा आमला की प्रॉपर्टीज भी मिल जाती हैं। ये आपको सिर्फ 10 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप 2 पैकेट का यूज कर सकते हैं। जैसा कि पैकेट पे मेंशन है, ये आपके बालों को नेचुरल ब्राउन कलर देगा। तो चलिए इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। जैसे कि नॉर्मल हिना होती है वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन ये थोड़ी ब्राउन कलर की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमारे बालों को और भी गहरा और खूबसूरत कलर देगा। तो मैंने ये एक पैन में आधा ग्लास पानी लिया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच डाल देती हूँ कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर डालने के बाद में इसको अच्छे से बॉईल करिए, जिससे कि कॉफ़ी एक अच्छा सा कलर दे सके। आप कॉफ़ी की जगह कत्थे का भी यूज कर सकते हैं, वही कत्था जो पान वगैरह में लगा के खाया जाता है। कत्था कॉफ़ी से भी ज़्यादा अच्छा ब्राउन कलर देता है बालों के लिए। लगभग 5 से 7 मिनट बॉईल करने के बाद में गैस को ऑफ कर दीजिए और इसके बाद में इस पानी को ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद में कॉफ़ी का पानी ये काफ़ी डार्क हो चुका है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके मेहंदी में डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। अगर एक साथ सारा पानी डाल देंगे तो लम्ब्स बन जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। इस तरह से ये स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हो जाएगा। घोलते वक्त मेरे हाथों में थोड़ी सी हिना लग गई थी, तो कितनी जल्दी कितना अच्छा कलर आया है। अब इस पेस्ट को आप ढक के लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद में अपने बालों पे अप्लाई कर लीजिए। अगर आपने अपने बालों को पहले से कलर किया हुआ है या फिर उनको हाईलाइट किया हुआ है, इसके ऊपर से आप मेहंदी को अप्लाई करते हैं, तो मेहंदी अपना कलर उतने अच्छे से नहीं छोड़ पाएगी। जैसा कि मैंने अपने बालों को कुछ समय पहले ही हाईलाइट किया हुआ है पॉलीथिन की हेल्प से, जिसका वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। इसलिए मैं इस मेहंदी को अपने बालों में अप्लाई करके नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन आप इसको अप्लाई करके अपने बालों को ब्राउन जरूर बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।